अभी यहाँ पर किसी तरीके से दरवाजे को खोलने की कोशिश किया जा रहा है। होटल के बैक साइड पे आ गए हैं। सो गाइस फाइनली हम लोगों का रूम का जो दरवाजा है वो खुल चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है पूरी ट्रिप का सेकेंड डे। सो गाइस आज अभी फिलहाल के लिए हम लोग सब जगह निकलने वाले हैं, मतलब नंदनकानन, धवलगिरी, उदयगिरी, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग 7:30 बजे निकलेंगे, बस से जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं। गाइस हम लोग अभी आ पहुंचे हैं कोणार्क के सन टेम्पल पे। तो एक्चुअली बस में हम लोग ने 8:25 पे जर्नी शुरू किया था, तो अभी 10 बज रहे हैं। सो लेट्स सी क्या देखने को मिलेगा। गाइस ये है सन टेम्पल के अंदर जाने का टिकट, दिखने में कॉइन जैसा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सन टेम्पल के अंदर, तो चलो। शैडो, दिस इज माई शैडो, ये हूँ मैं, मेरी शैडो। सो फाइनली हम लोग एक्चुअली धवलगिरी पहुँच गए हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग खाना खाने वाले हैं, फिर जाके हम लोग धवलगिरी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बस पूरा खाली है, देख लो ये हमारा बस है। तो अभी नीचे जाके हम लोग खाना खाएंगे, तो चलिए खाना खाते हैं। पानी ले लो, चलो। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं धवलगिरी, लेकिन एक अलग गाड़ी से, मतलब ये जो एरिया देख रहे हो ये बस स्टैंड है। तो अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बस आइदर हमें धवलगिरी पैदल चल के जाना होगा, या फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि किसी और गाड़ी से जाना होगा। तो हम लोग वही करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी। इधर से पूरा शहर दिख रहा है, बहुत ऊंचा मंदिर है ये। वो दार्जिलिंग का मॉनेस्ट्री जैसा दिखने में लग रहा है मुझे इसका व्यू।
स्लीपिंग बुद्धा, वाओ। उधर एक पहाड़ जैसा कुछ दिखने में लग रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग हैं एक बस स्टॉप से, तो बेसिकली हम लोग अभी जाएंगे नंदनकानन। यही तो प्लानिंग है, पता नहीं अब तक क्या होने वाला है। तो बेसिकली चलिए एंजॉय करते हैं। ओह, मेरा मुंह थोड़ा काला काला आ रहा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं चिप्स तब तक। ऑब्वियसली चलो गाइस, चिप्स एंजॉय कर लो। सो गाइस, हावड़ा से ट्रेन में आने के समय मुझे ये चॉकलेट मिला। इसको टिकटिकी लॉजन बोलते थे हम बचपन में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने ये चॉकलेट खाया है। मुझे तो ये चॉकलेट पर्सनली बहुत ही पसंद है। नंदनकानन पहुंच चुके हैं। बहुत देरी हो गया है, एक्चुअली अभी 4 बज रहे हैं। बोला जा रहा है कि 4:30 बजे से पहले अगर अंदर नहीं जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो गाइस, तो अभी चलिए चलते हैं। बहुत टायर्ड हो गई हूँ आज। एक्चुअली सुबह से हम लोग बहुत जगह घूमे हैं, तो इसीलिए बहुत मतलब सैडनेस फील हो रहा है। लेकिन देखते हैं नंदनकानन जाके अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो लेट्स सी। गाइज, ये है द स्पेशल नंदनकानन। इसका एंट्री गेट ये है शायद। हे गाइज, सो एक्चुअली एक बहुत ही बुरी चीज हो चुकी है। बुरी चीज़ ये है कि हम लोग पहले सुबह गए थे कोणार्क के सन टेम्पल पे, अभी आए हैं नंदनकानन में। अभी नंदनकानन में बहुत सालों के बाद आए हैं, तो उतना ज़्यादा पता नहीं था। तो देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो बोल रहे हैं कि 7:30 बजे ये पार्क बंद हो जाएगा। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे इतना ज़्यादा एरिया घूम सकेंगे। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कितना शूट करवा पाऊँगी या फिर नहीं। तो जितना हो सके मैं दिखाऊँगी ज़रूर। मैं ही पीछे छूट गई गाइस, मेरा टीम बिल्कुल आगे निकल गया। मम्मी खड़ी है, ये है मेरा टीम। आ जाओ। ওখানে তো আমরা ভালুকের মধ্যে কিছু খেতে পাইনি। এবার হচ্ছে লেপার্ড। আচ্ছা, এখানে প্যান্থার। এটা প্যান্থার নয়, প্যান্থার ব্ল্যাক কালারের হয় আমি জানি। লেপার্ড আ রহা হ্যায়। ও মাই গড, ও মাই গড। व्हाइट फॉक्स, अरे वो देखो वो पॉटी कर रहा है। ओह माय गॉड, बोलिया कुकुर से, बोलिया दोगना से, बोलिया चलो बोलिया कुकुर दोगना से कुकुर।
सफेद टाइगर सफेद टाइगर ओ माय गॉड सफारी का मैप दिया हुआ है। हम लोग कौन से सफारी जोन में है हमें पता नहीं चल रहा है गाइस। वो देखो ओह माय गॉड देखो गाइस हाथी कितना बड़ा बड़ा लग रहा है। आई डोंट नो क्या कैमरे में हाँ कैप्चर हो रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी तक के लिए हाथी देख लिया और क्या देखा पीकॉक देखा लेपर्ड देख लिया लायन देख लिया नहीं लायनेस देख लिया और देखा रॉयल बंगाल टाइगर देख लिया व्हाइट टाइगर देख लिया। इतने सारी चीजें देख लिया है फिलहाल के लिए। पता नहीं अब हम कौन से जोन में जा रहे हैं मैप देख के बताना होगा। उधर लिखा हुआ है आई लव नंदन कानन। इसका एक मिनी वर्जन हमारे शहर में है आई लव बर्ड वन। जब शहर घुमाऊंगी तब जरूर दिखाऊंगी कि इसका मिनी वर्जन कहाँ पर है। हिप्पो जल्दी आ जाओ इधर तुमको देखना है। हिप्पो माझखाने आछे हिप्पो पार्टी में सभी बीच समंदर बीच लेक में है समंदर बोलना भूल होगा। अच्छा हाय हिप्पो सो गाइस अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। हिप्पो देखा है लेकिन हिप्पो बाहर नहीं निकला है। सो अभी एक थ्रिलर सा फीलिंग आ रहा है इवनिंग पे सफारी करना। सो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या देख सकते हैं। आ जाओ यस सी ओके जो बोल रही थी कभी पहले आई हर कंपेनियन यस एग्जैक्टली कभी पहले ऐसे सफारी किया है नहीं। रात में नहीं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है। रात के अंधेरे में कोई आ रहा है टिक टक करके और आपको उठा के ले गया आसमान में। अभी हम लोग घर जा रहे हैं घर नहीं मतलब मेन गेट के पास जा रहे हैं ताकि हम लोग बस पकड़ सके रूम में होटल पे जाने के लिए। तो अभी कुछ और ज्यादा शूट नहीं कर सकती फिलहाल के लिए होटल में जाके ही शूट करेंगे ठीक है। हे गाइस सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10:30। हम लोग 9:30 ही पहुंच गए थे तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है। सो गाइस जैसा कि मैंने बोला था पहले कि हम एक टीम के साथ आए हैं तो बेसिकली एक दिन में हम लोगों ने कोणार्क सन टेम्पल और उसके बाद धौली शांति स्तूपा फिर उसके बाद नंदन कानन ये तीनों चीजें एक ही साथ में देखा है तो बहुत ही मतलब उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर नंदन कानन की ही बात करूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी लेकिन उस एक्साइटमेंट के ऊपर अगर वेस्ट करके बोलूँ तो उतना ज्यादा अच्छा घूमना नहीं हुआ। तो कुछ कर नहीं सकते टीम के साथ आए हैं। आई होप कि कल कुछ अच्छा हम लोग खुद कर ले क्योंकि कल कोई कहा मतलब कहीं पर भी हम लोगों को जाना नहीं है सिर्फ हम लोग मतलब क्या बोलूं बीच में रहेंगे और पूरी सिटी को विजिट करेंगे। तो बेसिकली गाइस अभी फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को हर दिन हर घंटे हर मिनट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।